आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स को अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज बार्थोलिन ग्लैंड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बार्थोलिन ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है। पहले एक बार लोकेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फिर हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर है, तो ये तो आप जानते हो ना कि कल आपने पूरा एक्सटर्नल जेनिटल या वुल्वा पढ़ा है, और वुल्वा के अंदर जो वेस्टिब्यूल पार्ट था, याद है? वेस्टिब्यूल पार्ट में क्या क्या थे बेटा? यूरिनल ऑर्फाइस, यूरिथल ऑर्फाइस, और फिर था एक वेजाइनल ऑर्फाइस और हाइमेन। ये सब मिलकर और क्या बनाते थे? वेस्टिब्यूल। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर, ये तो है यूरिथल ऑर्फाइस, यूरिथल ऑर्फाइस, ठीक है? इसके नीचे जो है वो है वेजाइनल ऑर्फाइस, दिस इज द वेजाइनल ऑर्फाइस, ठीक है? और यहां पर हमको मालूम है ये क्या चीज है, क्लाइटोरिस। और इसको सराउंड किए हुए, इसको सराउंड किए हुए यहां पर लेबिया माइनोरा था, और यहां पर ये जो चीज है ये लेबिया मेजोरा है, ठीक है? खैर, अब मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है बार्थोलिन ग्लैंड की। बार्थोलिन ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, वेयर आर द बार्थोलिन ग्लैंड लोकेटेड? तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो लोकेटेड है यहाँ पर, दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड आर वन पेयर एंड दे आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ, दे आर, दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, एंड दे आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑर्फिस, फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑर्फिस, दे आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फिस, ठीक है? तो ये वेजाइनल ऑर्फिस है, और इसके दोनों तरफ क्या है, वन पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड से। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड से वो अपना सिक्रीशन कहाँ डालेगी, तो ये अपना जो सिक्रीशन है वो इस एरिया के अंदर डालती है, ये अपना सिक्रीशन इस एरिया के अंदर डालेगी। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये है कि इट इज होमोलोगस टू द काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। नीट के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है कि बार्थोलिन ग्लैंड आर होमोलोगस टू द काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल, वाई दे आर होमोलोगस टू द कार्पस काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। याद करो बेटा, काउपर ग्लैंड वाज सिक्रेटिंग द एल्कलाइन सब्सटेंस। काउपर ग्लैंड जो है, जिसको कि हम लोगों ने बल्बोइथ्रल ग्लैंड कहा था, वो अपना एल्कलाइन सिक्रीशन कहाँ पर डालती थी, यूरेथ्रा के अंदर। एंड इफ यू आर रिमेम्बरिंग देन इट रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, याद है? काउपर्स ग्लैंड वॉज रिमूविंग द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, एंड नॉट ओनली दिस, इट वॉज ऑल्सो लुब्रिकेटिंग द पेनिस। नाउ इफ यू विल बी सींग द फंक्शन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड इन द फीमेल, देन दैट फंक्शन विल बी समवॉट सिमिलर टू द काउपर्स ग्लैंड, बिकॉज इट ऑल्सो सिक्रीट्स एल्कलाइन सब्सटेंसेस, इट ऑल्सो सिक्रीट्स एल्कलाइन सिक्रीशंस, ओके? एंड नॉट ओनली दिस, जैसे कि काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट्स द पेनिस, वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेट्स द वेजाइना। दैट्स वाई इट इज ट्रीटेड एज अ होमोलोगस ऑर्गन टू द होमोलोगस ऑर्गन टू द काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल, क्लियर? तो एक तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहां से पूछ सकते हैं। दूसरा, वन पेयर इज फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ द वेजाइना। यू कैन सी हियर दैट दिस इज द वेजाइनल ऑर्फाइस, एंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फाइस, ऑन द ईदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑर्फाइस वॉट इज प्रेजेंट, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो इट इज फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ द वेजाइना, एंड इट ऑल्सो ओपन इन द वेजाइना। ये देखो, यहां पर ये ग्लैंड ओपन हो रही है, दीज ग्लैंड आर ओपनिंग। नाउ व्हाट दे सिक्रीट, दे सिक्रीट स्लाइमी, स्लाइमी मीन्स इट इज स्टिकी, स्लाइमी बिल्कुल चिकना सब्सटेंस रिलीज करती है। इट सिक्रीट स्लाइमी एल्कलाइन वाटरी फ्लूड, इट सिक्रीट्स स्लाइमी एल्कलाइन वाटरी फ्लूड विच मेक एल्कलाइन मीडिया इन वेजाइनल पैसेज, विच मेक्स एल्कलाइन मीडिया इन वेजाइनल पैसेज। क्यों?
एल्कलाइन मीडिया वेजाइना के अंदर क्यों बनाया? क्योंकि वेजाइना की जो पीएच होती है, वेजाइना की जो पीएच होती है वो होती है 3.8 से 4.5 के बीच में वेजाइना की पीएच होती है। आर यू गेटिंग? तो एक्चुअली क्या होता है कि वेजाइना की पीएच है ये, तो इट सीक्रेट स्लाइमी एल्कलाइन वाटरी फ्लूड विच मेक्स एल्कलाइन मीडिया इन द वेजाइनल पैसेज। तो एल्कलाइन मीडिया बनाता है क्यों? क्योंकि यहां पर एल्कलाइन मीडिया, क्योंकि वेजाइना का जो पीएच है वो कैसा है, एसिडिक पीएच है। जब तक उसमें स्पर्म नहीं आता है तो वो क्या है, उसकी तो एसिडिक पीएच है। तो वहां पर एल्कलाइन मीडियम बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेजाइना के अंदर क्या डाले जाएंगे, वेजाइना के अंदर क्या डाले जाएंगे, स्पर्म सेमेन डाला जाएगा, और सेमेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो कहीं वो सेमेन इस एसिडिक पीएच के अंदर, एसिडिक पीएच जो वेजाइना का होता है उसमें कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, इसलिए स्पर्म्स जैसे ही आते हैं, मतलब सेमेन आए उससे पहले ही वेजाइना को एल्कलाइन बना दिया जाता है बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीशन से, ताकि एसिडिटी रिमूव हो जाए उस वक्त के लिए, एसिडिटी रिमूव हो जाए और सेफली स्पर्म वहां से पास हो जाए। अच्छा, एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेजाइना की पीएच, कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने जवाब भी दिया था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वेजाइना की पीएच को एसिडिक क्यों मेंटेन करना है जरूरी है। यदि लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, याद है बेटा, वेजाइना के अंदर लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इस पीएच को मेंटेन करता है। फीमेल के अंदर वेजाइना की पीएच इसके बीच में मेंटेन रहनी चाहिए। यदि ये पीएच मेंटेन नहीं रहेगी और यदि वेजाइना के अंदर पीएच एल्कलाइन हो जाए तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, राइट? लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया, लेकिन यदि पीएच बढ़ जाएगी, एल्कलाइन पीएच हो जाए एसिडिक की जगह पर, तो फिर ऐसा माना जाता है कि जैसे ही पीएच बढ़ जाती है वेजाइना के अंदर तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखना कि इट सिक्रीट स्लाइमी एल्कलाइन वाटरी फ्लूड विच मेक्स एल्कलाइन मीडिया इन द वेजाइनल पैसेज, विच मेक्स एल्कलाइन मीडिया इन द वेजाइनल पैसेज, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इट लुब्रिकेट्स द वेजाइना फॉर इजी कॉपुलेशन। क्या कहा मैंने, इट लुब्रिकेट्स द वेजाइना फॉर इजी कॉपुलेशन, राइट? इट लुब्रिकेट्स द वेजाइना बिकॉज इसका जो सिक्रीशन है वो कैसा है, स्लाइमी है, स्टिकी है, तो ये वेजाइना को क्या बना देता है, जस्ट बिफोर द कॉपुलेशन, जस्ट बिफोर द मेल इजेकुलेट्स द सेमेन इनटू द फीमेल वेजाइना, दिस सिक्रीशन सकर, दिस सिक्रीशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड सकर, सो दैट वॉट हैपन्स, द वेजाइना लुब्रिकेट्स एंड इट बिकम्स स्लाइमी, सो दैट द मेल कैन इंट्रोड्यूस द सेमेन इजिली इंटू द फीमेल वेजाइना। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बार्थोलिन ग्लैंड, दिस इज ऑल अबाउट द बार्थोलिन ग्लैंड। लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड के साथ में ही, बार्थोलिन ग्लैंड के साथ में एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए, एंड दैट इज नोन एज बेटा द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, और वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट, द मेमरी ग्लैंड्स। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेमरी ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेस्ट, और वी आर गोइंग टू स्टडी द मेमरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट ऑल्सो सर्व एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। मैंने क्या कहा, ब्रेस्ट सर्व एज क्या कहा है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। वापिस से बोल रहा हूं, ब्रेस्ट सर्व्स एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द वुमेन्स। ऑल राइट, नाउ ह्यूमन फीमेल, इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन फीमेल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी, सो इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन फीमेल, अ ह्यूमन फीमेल पजेस अ पेयर ऑफ ब्रेस्ट, ह्यूमन फीमेल पजेस अ पेयर ऑफ द ब्रेस्ट, मीन्स विच इज कंटेनिंग द मेमरी ग्लैंड्स, अ पेयर ऑफ द ब्रेस्ट विच इज कंटेनिंग एक्चुअली द मेमरी ग्लैंड्स, क्लियर? सो ह्यूमन फीमेल पजेस अ पेयर ऑफ ब्रेस्ट कंटेनिंग द मेमरी ग्लैंड्स, ओके? सो मेमरी ग्लैंड्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। नाउ दे आर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द थॉरिक्स, राइट, दे आर प्रेजेंट इन द
थॉरेक्स रीजन ओन पेक्टोरल मसल्स मीन्स जो थॉरेक्स रीजन होता है यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट होता है राइट, तो दे आर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द थॉरेक्स रीजन ऑन पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ये ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, क्लियर। सो दीज आर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द थॉरेक्स ऑन पेक्टोरल मसल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेस्ट देन ब्रेस्ट और द मेमोरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ द टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंडुलर टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट बिकॉज द अमाउंट ऑफ द फैट इन द ब्रेस्ट इज नॉट सेम इन ऑल द फीमेल्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द फैट डिपोजिशन। ऑल राइट, मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू से दैट आफ्टर द एज ऑफ द पुबर्टी मीन्स आफ्टर 11 और 12 ईयर्स ऑफ द एज फैट डिपोजिशन स्टार्ट इन द मेमरी ग्लैंड और द ब्रेस्ट एंड इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल। ऑल राइट, सो ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। नाउ इन दिस रेस्पेक्ट वी विल बी फोकसिंग अवर डिस्कशन ऑन द ग्लैंडुलर टिश्यू। वाई? बिकॉज हमको मेमरी ग्लैंड इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन होता है। वी नो डेट मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है एंड दिस मिल्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग वन। ऑल राइट, क्योंकि यंग वन को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिल्क से मिलता है। तो मिल्क कहाँ से सिक्रीट होता है? तो जो मेमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वही मिल्क को सिक्रीट करवाएगा। ऑल राइट, सो याद रखना द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 टू 20 मेमरी लोब्स विच कंटेन क्लस्टर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज द एल्वियोलाई एंड दीज एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द एल्वियोलाई। हम क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, हम लोग पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द मेमरी ग्लैंड, एक मेमरी ग्लैंड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या ब्रेस्ट के अंदर किस तरीके के टिश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम लोग यहाँ पर एक मेमरी ग्लैंड का डायग्राम बनाएंगे, राइट एक मेमरी ग्लैंड बनाते। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फैट्स बना देता हूँ, ये तो चारों तरफ जो है वो फैट है, उसके अंदर बीच में भी होता है और चारों तरफ भी उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो ये तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है, ये तो मैंने बना दिया फैट, ठीक है। अब ब्रेस्ट के अंदर, अब ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20, हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेमरी लोब्यूल्स। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देखिएगा इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे, 15 to 20 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेमरी लोब्यूल्स। कितने हर एक ब्रेस्ट के अंदर इनका नंबर कितना है, 15 to 20 है, ठीक है। अब इन मेमोरी जो लोब्यूल्स है इनके अंदर, इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना वैसे, बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर कुछ सेल्स के बंच होते हैं, ऐसे जानते हो इन सेल्स के बंच को, हर एक सेल को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ये क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ये जो एल्वियोलाइज होती है बेटा ये क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती है। एल्वियोलाई क्या सिक्रीट करती है, मिल्क सिक्रीट करती है। ऑल राइट, और ये जो एल्वियोलाई है ये एल्वियोलाई की कैविटी है, ये एल्वियोलाई की कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर, इस एल्वियोलाई की कैविटी के अंदर, इस एल्वियोलाई कैविटी के अंदर मिल्क स्टोर होता है, इसमें क्या स्टोर होता है, मिल्क स्टोर होता है, इज इट क्लियर, इसमें मिल्क स्टोर होता है। अब क्या होता है, ये जो एल्वियोलाइज होती है, ये सारी जो एल्वियोलाइज ओपन होती है बेटा,
ये एल्वियोलाइज ओपन होती है कुछ ट्यूब्स के अंदर, ये ट्यूब्स देख रहे हो, ऑल एल्वियोलाई ओपन इन, ये जो एल्वियोलाई ओपन होती है ना, दे ओपन इन ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बन गई है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स बन गई है, ठीक है। नाउ ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है, दीज मेमोरी ट्यूब्यूल्स बेटा दे फॉर्म, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ये क्या करती है, वापस से जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है वो फ्यूज होती है ऐसी, और कुछ बड़ी ट्यूब्स बनाती है ऐसी, ऐसी कुछ बड़ी ट्यूब्स बन जाती है लाइक दिस टाइप। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़कर और क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट्स बनाती है, दे फॉर्म बेटा मेमोरी डक्ट्स, ये मेमोरी डक्ट्स बनाती है, क्लियर, दे फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। नाउ मेमोरी डक्ट्स ओपन इन वाइडर, मेमोरी डक्ट्स ओपन इन वाइडर रीजन्स कॉल्ड एज मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला एंड मेमोरी एम्पुला ओपन इनटू सर्टेन ट्यूब्स, राइट, विच आर कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट। ये मैं पहले इसलिए बना रहा हूं तुमको पढ़ना बहुत आसान हो जाए, लैक्टिफेरस डक्ट एंड लैक्टिफेरस डक्ट बेटा ओपन इनटू द निप्पल, सो दिस इज द निप्पल रीजन, ठीक है, सो इट ओपन्स इनटू द निप्पल। दिस निप्पल कंसिस्ट ऑफ सर्टन पोर्स ऑफ 0.5 mm साइज, ऑन द एंटायर निप्पल रीजन सर्टन पोर्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर द पोर्स सो दीज आर पोर्स ऑफ 0.5 mm साइज, राइट, दीज आर द पोर्स एंड दिस Nipple region, all the lactiferous duct open in the nipple region, and this nipple region is surrounded by a pink color area like this. This is surrounded by a pink color area, and this pink color area is called as the areola. This pink color area which is surrounding the nipple, this region, it is called as the areola. So this is areola, all right. So beta, this is the diagrammatic view, this is the, and here variable amount of fat is already present here in this entire region. What is present? Fat is present here all. So this is all fat. To samajh mein aaya beta? सबसे पहले हर एक ब्रेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी लोब्यूल्स होती है, मेमोरी लोब्यूल्स का नंबर 15-20 होता है, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाइज होती है विच आर फाउंड इन बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई सिक्रीट्स मिल्क, मिल्क इज स्टोर्ड इन एल्वियोलाई कैविटी, राइट, एंड दीज एल्वियोलाइज ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन इन मेमोरी डक्ट्स ओपन इन मेमोरी एम्पुला ओपन इन लैक्टिफेरस डक्ट ओपन आउटसाइड इन द निप्पल। आई थिंक सो आपको पूरा ये चीज़ ब्रेस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इन टू 15-20 मेमोरी लोब्स। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, मेमोरी लोब्स विच कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज द एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई सिक्रीट्स मिल्क, यू नो एल्वियोलाइज आर द सेल्स विच सिक्रीट्स मिल्क, एंड दिस मिल्क इज स्टोर्ड बेटा इन द कैविटी ऑफ द एल्वियोलाई। ऑलराइट, नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, अभी क्या है, पूरी सिक्वेंस बताई थी ना आपको, एल्वियोलाई ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको कहा है
ऑल एल्वियोलाई ओपन इन, ऑल एल्वियोलाई ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ही ज्वाइन करके बिगर डक्ट्स बनाती है एंड दैट बिगर डक्ट्स आर नोन एज द मेमोरी डक्ट्स। पूरा एक एक चीज आपको भी मैंने डायग्रामेटिकली बता दी है। नाउ सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला। आप साफ देख सकते हो, क्लियर कट दिख रहा है कि मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला ओपन्स इनटू लैक्टिफेरस डक्ट्स, ये रहा। तो मेमोरी एम्पुला आर कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। लैक्टिफेरस डक्ट एक्चुअली क्या है, मिल्क डक्ट है ना, इसके अंदर क्या है, मिल्क है। तो इसी से मिल्क को क्या किया जाता है, सक किया जाता है। तो लैक्टिफेरस डक्ट जो होते हैं वो ओपन होते हैं ब्रेस्ट के एपिकल पार्ट में, जिसको कि हम निप्पल कहते हैं। तो अ निप्पल इज अ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, इट इज अ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर विच इज एलिवेटेड नॉब, विच इज अ एलिवेटेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ एलिवेटेड राइट नॉब लाइक स्ट्रक्चर एट द एपिकल पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, एट द एपिकल पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। द एरिया एडजेसेंट टू द निप्पल्स, जैसा कि मैंने कहा है, द एरिया विच इज एडजेसेंट टू द निप्पल्स इज डीपली पिगमेंटेड, डीपली पिगमेंटेड, इट इज कॉल्ड एज एरियोला, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरियोला मेमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरियोला मेमी। पूरा नाम इसका एरियोला मेमी है, बट पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज द एरियोला। ऑल राइट, नाउ द एरिया सराउंडिंग द निप्पल्स बिकम मच एलिवेटेड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट एंड बाई द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स। मैंने क्या कहा, द एरिया विच इज सराउंडिंग द निप्पल्स बिकम मच एलिवेटेड, राइट, इट बिकम्स मच एलिवेटेड। वाई, बिकॉज एज आई हैव सेड यू दैट देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, ये यहाँ पर यह पूरा पूरा फैट है, ठीक है। तो ये जो एरिया है पूरा निप्पल के चारों तरफ का जो एरिया है, ये जिसकी कि मैं बात करूँ, ये पूरा एलिवेटेड एरिया जो है वो इसलिए एलिवेटेड हुआ है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फैट होता है, लेकिन ये फैट जो होता है वो फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा। एंड नॉट ओनली दिस, द ब्रेस्ट आर एलिवेटेड, दे आर एलिवेटेड इन द चेस्ट रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ द पेक्टोरल मसल्स। जैसा कि मैंने कहा है कि थॉरेक्स रीजन के अंदर पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, तो पेक्टोरल मसल्स के कारण ये आउटग्रोथ की तरह बाहर की तरफ दिखाई देंगे, ठीक है। तो दीज आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स, विच मसल्स, पेक्टोरल मसल्स। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि निप्पल इज प्रोवाइडेड विथ 15 टू 20 स्मॉल पोर्स ऑफ 0.5 mm साइज, राइट। ये देखो मैंने क्या कहा था, 0.5 mm साइज के निप्पल के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर कितना होता है, 15 से 20 के करीब होता है। 15 से 20 नंबर के होने के पीछे क्या होगा कि जैसे ही एक बच्चा माँ के पास में आता है, एज सून एज द चाइल्ड कम्स नियर द ब्रेस्ट रीजन ऑफ द फीमेल और द मदर, तो क्या होता है, वहाँ से मिल्क जो होता है उसको सकआउट करता है बाहर की तरफ। तो निप्पल के अंदर पोर्स होने चाहिए जिसके थ्रू मिल्क जो होता है वो बाहर आ जाता है, क्लियर। नाउ इन मेल्स ऑल्सो द निप्पल्स आर फाउंड बट दे आर वेस्टिजियल। देखो मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन मेल एज वेल एज फीमेल, मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन मेल एज वेल एज फीमेल बिकॉज वी ऑल आर मैमल्स, बट बिकॉज द फीमेल्स हैव टू गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड दे हैव टू फीड द यंग वंस, और उनके अंदर मिल्क का सेक्रेशन होना चाहिए, इसलिए फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, लेकिन मेल्स डोंट हैव टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, तो उनको किसी न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए निप्पल्स आर वेस्टिजियल यानी कि नॉन फंक्शनल इन द केस ऑफ द मेल्स। ऑल राइट, नाउ मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ न्यूट्रिटिव फ्लूड, मेमोरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, दे रिलीज अ न्यूट्रिटिव फ्लूड मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस। मेमोरी ग्लैंड से बेटा क्या सिक्रेट होता है, मेमोरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, व्हाट इज सिक्रेट, सिक्रेटेड मिल्क इज सिक्रेटेड एंड दिस मिल्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस। ये यंग वंस के नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मिल्क प्रोटेक्ट द यंग वंस, मिल्क प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। मिल्क जो होता है वो यंग वन को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे इन्फेक्शन से अप टू सम मंथ्स आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। आपको मालूम होना चाहिए, ये तो सब लोग जानते होंगे, यू हैव हर्ड अबाउट कोलेस्ट्रॉल,
कोलोस्ट्रम समझते हो, डेट इज फर्स्ट मदर मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज। और कोलोस्ट्रम जो होता है वो लाइट येलोइश कलर का होता है। जैसे ही एक मदर बच्चे को बर्थ देती है तो इनिशियल कुछ डेज तक, इनिशियल कुछ डेज तक फीमेल के अंदर क्या रिलीज होता है, ये कोलोस्ट्रम रिलीज होता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि बच्चा इस कोलोस्ट्रम के ऊपर फीड करता है तो उसको बहुत सारे पैथोजेनिक अटैक से प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर बच्चा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहता है 9 मंथ्स तक। जैसे ही बीबी बाहर आता है तो बहुत सारे पैथोजेंस एनवायरनमेंट के अंदर उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उनके अटैक से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि मदर अपने कोलेस्ट्रम को प्रोवाइड करवाए किसको, न्यू बॉर्न बीबी को। एंड इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज, आर यू गेटिंग ऑर नॉट? तो ये जो मिल्क है वो वैसे भी बहुत नरिशमेंट देता है। हमने कहा है कि मिल्क प्रोटेक्ट्स द यंग वंस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन अप टू सम मंथ्स आफ्टर बर्थ। अप टू सम मंथ्स का मतलब क्या है? कम से कम ऐसा कहा जाता है, राइट? क्लिनिकल साइंसेज ये कहती है कि मदर को कम से कम भी अपने बच्चे को बर्थ के बाद में 6 मंथ्स तक लैक्टेशन करवाना चाहिए, यानी कि फीड करवाना चाहिए। आर यू गेटिंग? 6 मंथ्स के बाद में क्यों? क्योंकि देखिए नेचर का नियम देखिए, 6 मंथ्स तक बायोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को बाहर से वाटर की एक ड्रॉप भी नहीं दी जाती है। द चाइल्ड इज एंटायरली ना तो कोई फूड दिया जाता है और ना ही कोई पानी दिया जाता है। इट्स एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मदर मिल्क, ठीक है? तो इस मदर मिल्क के अंदर वो सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज होते हैं जो बेबी के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और देखिए नेचर का नियम देखिए, जैसे ही 6 महीने पूरे होते हैं, है ना, तो उस बच्चे के अंदर टीथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, टीथ इरप्ट हो जाते हैं, तो वो बच्चा अब खाने के लायक बन जाता है। तो उसको फिर सेरेलेक देना शुरू कर देते हैं तो वो खा सकता है उसको। आर यू गेटिंग? तो फिर मदर मिल्क की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाहर से अब वो सप्लीमेंट ले सकता है, ठीक है? तो मदर मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो कुछ और बातें मैं यहाँ पर आपको बताने की चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है कि याद रखना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन दो नाम मैं लिख रहा हूँ। एक तो है बेटा मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन और एक मैंने लिखा मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है? ये दो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ आपको, मिल्क इजेक्शन हार्मोन एंड मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। क्लास 11th में जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग एक हार्मोन लिखते हैं प्रोलैक्टिन, है ना, विच इज रिलीज बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज रिलीज बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये बनता तो हाइपोथैलेमस से है बट इट इज रिलीज आउट बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बनाया किसने बेटा, ऑक्सीटोसिन को किसने बनाया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने। ऑक्सीटोसिन को किसने बनाया, एंटीरियर दैट इज हाइपोथैलेमस ने बनाया, राइट? और रिलीज किसने किया, तो फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और प्रोलैक्टिन जो है उसको कौन बनाता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसको हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मदर के अंदर मिल्क बनाने वाला हार्मोन कौन है, तो मदर के अंदर जो मिल्क बनाने वाला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। और मिल्क को मदर की बॉडी से बाहर लाने वाला हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीटोसिन है। आर यू गेटिंग? तो बनाने वाला कौन है प्रोलैक्टिन, इजेक्ट करने वाला कौन है ऑक्सीटोसिन। एज सून एज एक बच्चा रोता है, आपने ये सुना होगा, हम लोग भी सब बेबी थे और वी ऑल वर फीडिंग ऑन द मदर मिल्क, तो जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने की आवाज़ सीधी मदर के हाइपोथैलेमस में जाती है। मदर हाइपोथैलेमस से क्या सिंथेसाइज करवा रही थी, ऑक्सीटोसिन, और उसके कारण ऑक्सीटोसिन वहाँ पर सिंथेसाइज होता है और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज हो जाता है, ठीक है? तो मेमोरी ग्लैंड से बच्चे को मिल्क अवेलेबल हो जाता है।
तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो आपने कहावत सुनी होगी, ये सुनी होगी आपने, इंडिया के अंदर बहुत कॉमन सी एक कहावत है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना रोए तो मदर में मिल्क को फीड नहीं करवाती है। उसके पीछे ये लॉजिक है कि बच्चा जब रोएगा तो उसके रोने की जो आवाज़ है वो मदर के हाइपोथैलेमस तक पहुँचेगी और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तब कहीं जाके मदर की बॉडी से जो मिल्क सिंथेसाइज हुआ है वो बच्चे के लिए बाहर आएगा, उसकी मदर की बॉडी से बाहर आएगा। आर यू गेटिंग? ऑक्सीटोसिन के आपने यूजेस भी तो देखे होंगे, जैसे कि मदर को काऊ के सिमिलर माना गया है क्योंकि काऊ भी क्या है, मेमल है। तो आपने देखा होगा कई सारी डेयरी फार्म हाउसेज होते हैं, उसमें जानते हो क्या करते हैं, रोजाना काउस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उससे मिल्क सारा का सारा ऊज आउट होकर और काऊ की अडर के अंदर आ जाता है। अडर समझते हो ना, जो जहाँ से उसका मिल्क निकलता है उस अडर में आ जाता है, और फिर वहाँ पर क्या करते हैं डेयरी फार्म्स वाले जो होते हैं वो मशीन लगा लेते हैं और सारा का सारा जो मिल्क है वो उस काऊ से बाहर निकाल देते हैं। बाकी जनरली काऊ कभी भी सारे मिल्क को बाहर रिलीज नहीं करेगी क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए हमेशा काऊ अपने मिल्क को बचा के रखेगी। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उस काऊ को दे दिए जाते हैं तो फिर वो काऊ मजबूर हो जाती है और सारा का सारा मिल्क कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है, और ये जो डेयरी मैंस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे उस मिल्क को बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज नथिंग, इट इज़ द कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द काऊ फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये काऊ का जस्ट एक एक्सप्लॉयटेशन है। काऊ ये थोड़ी कहती है उसके नीचे खड़े हो जाओ कि दूध दे दे तो वो दूध दे देगी। नो, एक्चुअली डेयरी फार्म हाउस के अंदर वो निकालते हैं उसको बाहर, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो है वो कौन है बेटा, ऑक्सीटोसिन है, और मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो है वो कौन है, प्रोलेक्टिन है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये चीज़ समझ में आ गई?